संग जी आइए सत्संग की शुरुआत करते हैं और गुरु जी की महिमा का गुणगान करने के लिए इनवाइट करते हैं पॉल आंटी को। पॉल आंटी आप प्लीज आएं और गुरु जी का सत्संग शेयर करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। आप सबका, पूरे मैनेजमेंट कमेटी का, मंदिर मैनेजमेंट कमेटी का, जिन्होंने इतना अच्छा प्लेटफॉर्म बनाया और हमें मौका दिया कि हम अपने भगवान का गुणगान कर सके। बहुत अच्छा मौका होता है कि जब हम अपने रब के लिए, मैं तो हमेशा गुरु जी को स्टार्टिंग से ही जब मैंने सत्संग किए रब ही कहा और वो है, और अब तो सारे संगत को शायद मालूम है। तो थैंक यू गुरु जी, कोई गलती हो बोलने में तो माफ करिएगा, क्योंकि इतना नहीं बोलना आता जितना हम सोचते हैं कि क्या इस रब का गुणगान करना अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है जो हर कोई नहीं कर सकता और नहीं किया जाता। सत्संग मैंने कई बार शेयर किया, ऑलमोस्ट वही है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगी कि सॉरी वो बताने की जो मेरे साथ न्यू, हर पल गुरु जी के न्यू सत्संग होते रहते हैं। हर एक एक क्षण जो है हमारा, एक एक सांस उन्हीं की दी हुई है। पर थोड़ा सा बता के फिर मैं बताती हूँ कि गुरु जी ने के जो जर्नी मेरी स्टार्ट हुई इस बर्थ की, वो 2001 में गुरु जी ने अपनी शरण में लिया। वो कहने को है कि 2001 में लिया, लेकिन हमारी कितनी पुरानी चली आ रही है ये हमें भी नहीं मालूम, गुरु जी ही जानते हैं कि कितने जन्मों से है। उससे रिलेटेड ही है कि मेरे अंकल को गुरु जी ने बोला था, गुरु जी ने दिखाया भी और बोला कि मेरे अंकल के साथ ही गुरु जी का जो लिंक था, उस सोल का कनेक्शन बहुत बर्थ से चला आ रहा था, उसी वजह से हम जुड़ पाए। कनेक्शन तो फैमिली का किसी ना किसी से होता है, और अंकल ही ज्यादा स्टार्टिंग में उन्हें लगा, मेरे को इतना नहीं लगता था। और अंकल को गुरु जी ने अपनी ज्योत के दर्शन दिए। फायर स्टेट में जैसे ही बैठते थे उनको हमेशा दिव्य ही दर्शन गुरु जी ने दिए कि एक ज्योत आ रही है और अंकल तक जा रही है। और वो बाद में गुरु ने क्लियर भी किया कि मैं एक लाइट हूँ, ह्यूमन फॉर्म तो मैंने तुम लोगों के लिए ली तुम्हें दिखाने के लिए। और उनको लाइट के ही दर्शन किए, दिखाए, और गुरु जी ने बोला अंकल को कि तुम्हारा ये लास्ट बर्थ है, मुक्ति कहो मोक्ष कहो। ये अंकल को गुरु जी ने ब्लेस की, उन्हें बता के की न्यू लाइफ देके की, और जो कर्मास है वो तो काटनी है हमने, उसको इतना छोटा कर देते हैं कि हम इस लायक हो जाते हैं कि हम उन कर्मास को काट सकें। 2007 में मेरे अंकल की लाइफ बिल्कुल खत्म थी, ये गुरु जी ने क्लियरली बोला और उनको न्यू लाइफ दी, यूएसए भेज के दी, कहा कि चला जा। और मैंने ये सत्संग पहले भी शेयर किया कि हमारे पास फाइनेंस नहीं था, डॉटर की शादी की थी, घर भी चेंज किया था, तो गुरु जी कहते जा कुड़ी नू मिला। मुझे लगता था कि गुरु जी तो पता नहीं क्या सोच रहे हैं, जैसे यहाँ तक हमें 8-10 किलोमीटर कोई उठ के जाना है, यूएसए जाना है, और गुरु जी नोस के हमारे पास पैसे नहीं है। लेकिन गुरु जी को मालूम था उनको न्यू लाइफ देनी थी, तो गुरु जी ने वीजा भी दिलवाया 10 ईयर्स का, बहुत थोड़े अमाउंट में। हमारे बैंक में 1 में 1.5 हजार थे, 1 में 2.5 हजार थे, और कुछ हमें क्लैरिटी भी नहीं थी कि इतने में वीजा मिलता है नहीं मिलता। वीजा की जब डेट आ गई, पहले तो जब डेट ली तो मेरी डॉटर बहुत परेशान हो गई, क्योंकि उसे पता चल गया था कि ऐसे वीजा नहीं मिलता, क्योंकि उसको पता था मम्मी पापा के पास इस टाइम पैसे नहीं है। तो कहने लगी कि आप डेट चेंज कर लो, मैं सॉलिड से पेपर बनवा दूंगी तब वीजा मिल जाएगा। इतना नहीं पता था कि जब भगवान खुद कह रहे हैं तो हमें क्या सोचना है।
31 दिसंबर की अंकल की इंटरव्यू की डेट थी, मेरे डॉटर ने बोला कि चेंज कर लो, तो मैंने उसे बोला कि हम जब गुरुजी से नहीं पूछेंगे तो कैसे बदलेंगे। कहती है हाँ ये तो है। और उससे पहले गुरुजी ने कहा कि अंकल को बोला बहुत ज्यादा पूछ दे और हूं नहीं कुछ पूछना मेरे को। अब हम इतने कंफ्यूज के गुरुजी से बात कर नहीं सकते, गुरुजी की आज्ञा है हमने बात नहीं करनी और एप्लीकेशन को डिलीट भी करना है, डेट चेंज करनी है। तो मैंने तो प्रेयर की, जैसे आज्ञा ली प्रेयर कर दी, गुरुजी आप जानते हो घर में जाके, क्योंकि सारा फॉर्म मैंने ही भरा था और डिलीट भी मुझे ही करना था। मैंने कहा गुरुजी जाके जब चरणों में माथा टेका तो ये मनी मन प्रेयर की कि मैं डिलीट करूंगी और आप देख लेना आप जैसे भी हो, क्योंकि आप कह रहे हो पूछना नहीं है। खैर गुरुजी मुझे देख के मुस्कुराए और जब अंकल ने माथा टेका तो अंकल को कहते हैं फिर चले, अपने आप ही मौका दे दिया। तो फिर अब अंकल की हिम्मत हो गई बोलने की कि गुरुजी ऐसे ऐसे बात है और मैं डिलीट करेंगे आज और नहीं डेट देंगे। इतनी गुस्से में गुरुजी बोले, कहते नहीं करनी, शक पै जाता है। रब को पता था उनसे क्या छुपा हुआ था कि ये क्या करेंगे, उसके बाद क्या प्रॉब्लम्स क्रिएट होंगी। और हमने बस खत्म, जब गुरुजी ने कह दिया तो बात ही खत्म, हमने कोई चेंज नहीं की। और उसी डेट पे इंटरव्यू हुआ 31st को। फिर मैं डर रही थी बहुत ज्यादा कि पैसे नहीं है, क्या होगा, उस अकाउंट में नहीं है, हमने कुछ दिखाया भी नहीं। क्या गुरुजी कुछ दिखाओ, बहुत डर लग रहा है। जब मैं रात को वॉशरूम के लिए उठी 3-4 बजे, सुबह इंटरव्यू था, उसके बाद में सोई तो गुरुजी ने अंकल का पासपोर्ट खोला हुआ था और उस पर 10 स्टैम्प्स लगी हुई मुझे दिखाई। और मैंने अपने अंकल को बोल दिया था कि गुरुजी ने दिखा दिया आपको 10 ईयर्स का वीजा मिल गया है, क्योंकि भगवान ने बोल दिया तो इसीलिए कोई टेंशन की बात ही नहीं है। और वही हुआ, कुछ भी वर्ड नहीं पूछा, अंकल को 10 ईयर्स का वीजा दिया, क्योंकि अंकल को न्यू लाइफ देनी थी। गुरुजी ने कहा था कुछ नहीं होने दूंगा इसको कि अपनी जान ना देनी पड़े। जो बड़े मंदिर में भगवान शिव की प्रतिमा वाला टैंक है उसमें अंकल को बिल्कुल डूबे हुए दिखाया मेरे को गुरुजी ने और कहा कुछ नहीं होने दूंगा। और वही पानी से दूर कर दिया, सात समुंदर पार भेज के अंकल को न्यू लाइफ दी, अंकल को वहां भेजा। आज की डेट में भी 2007 से टिल टुडे वो गुरुजी की दी हुई ब्लेस्ड लाइफ जी रहे हैं। उनको मालूम है कितनी लाइफ देनी है, कैसे देनी है, लेकिन ये गुरुजी ने बोला कि ये तुम्हारा लास्ट वर्क है, उसके बाद तुम फ्री हो, क्योंकि कर्मस कट चुके हैं। अंकल के कर्मस बहुत खराब रहे, परेशानियां बहुत भुगती, और जो हमने कर्म किए वो तो हमें भुगतने हैं, किसी भी फॉर्म में भुगतने। 10% जो गुरुजी देते हैं हमें, हमारे सिर पर डालते हैं, हम वो भी नहीं सहन कर सकते। 7 के बाद जैसे अंकल आते जाते रहे, 2 बार इतने ज्यादा बीमार हो गए थे यहाँ आकर कि मुझे डर लगने लगा था। मैं फिर इनकी टिकट करा देती थी कि आप जाओ। 2007 से टिल टुडे, अभी भी सितंबर में ही आए, इनका आना जाना गुरुजी ने रखा कभी इधर कभी उधर, न्यू लाइफ ब्लेस करके। तो ये कौन कर सकता है, एक भगवान कर सकता है। किस तरह से भेजा, बहुत सारी चीजें इनके अंकल के साथ गुरुजी ने की। उससे पहले जैसे हमने जब जाना शुरू किया था तो स्टार्टिंग से थोड़ा सा बताती हूँ, मेरी कलीग लेके गई थी मुझे, वो मेरे को गुरुजी के बहुत सत्संग सुनाया करती थी और मेरे ऊपर से जाते थे, गुरुजी का कैलेंडर भी लगा हुआ था। तो मैं बोलती थी ये सब क्या है, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था कि ऐसा क्यों करती है। लेकिन और वही था, जब रब की मर्जी होगी, जन्माष्टमी के दिन, अभी जन्माष्टमी गई है तो मैं याद कर रही थी कि गुरुजी ने जन्माष्टमी वाले दिन मुझे अपनी शरण में लिया,
इस बर्थ में, इस फिजिकल रूप में, बाकी वो मेरे साथ कितने जन्मों से है वो मैं आज रिकॉल करती हूँ। क्योंकि 74 में जब मेरी मदर एक्सपायर हुई, आई वॉज 18 ईयर्स ओल्ड देन, तो मेरे को एक क्वेश्चन रहता था कि मेरी मदर की सोल कहाँ गई, क्योंकि हम चार बहनें और सबसे छोटी सिस्टर जो थी वो 6 साल की थी, वो आजकल यूएस में है। तो मुझे लगता था कि मेरी मदर की सोल कहाँ है, मुझे इसका जवाब चाहिए। तब तक फिजिकल रूप में मैं गुरुजी से नहीं मिली थी, लेकिन मेरे को क्वेश्चन आते थे। और एक बार मेरी मदर मेरे ड्रीम में आई, जब मैंने गुरुजी के पास जाना शुरू किया तो उन्होंने मुझे क्लियर किया कि मेरी जो नीस है उसमें उनकी सोल वापस आई है, और मैं ड्रीम में ही उनको क्वेश्चन कर रही हूँ कि आप तो 74 में चले गए थे और ये 97 में आई है, तो बीच का पीरियड कहाँ है। तो मेरी मम्मा ने मुझे बोला कि मैंने कई बर्थ लिए, कई जगह पैर हुई और कई जगह से फिर वापस मैं गई और फाइनली मुझे अपना डेस्टिनेशन मिल गया और मैं यहाँ आ गई। ये तो मेरी मदर ने बोला था, लेकिन मैं कंफर्म करना चाहती थी कि इसमें कितनी सच्चाई है। उन्होंने मुझे ड्रीम में बोला था, तो मैंने ये चीज गुरुजी से पूछ ली, तो गुरुजी ने कहा तेरी माँ ने ठीक दसया तेनू। तो संगत जी, ये चीजों के जवाब एक रब दे सकता है। इतना बड़ा सुकून मिला मुझे कि मेरी मदर किस फॉर्म में वापस आई। तो हमारी सोल की जो डिमांड होती है, आज भी मैं एक छोटे सत्संग में गई हुई थी, वहां पे भी मैं ये शेयर कर रही थी, हम अपनी जर्नी में जो हमारी डिमांड होती है रह जाए वो नेक्स्ट बर्थ में पूरी करते हैं भगवान। मेरी मदर भी रह गई क्योंकि बीमार रहती थी, इतने सारे पैसे उनके बीमारी में खर्च हो जाते थे, तो उनकी बहुत सारी इच्छाएं थी। वो चाहती थी कि मैं बहुत पैसे में एंजॉय करूं, अमीर घर में पैदा हूं, इस तरह की उनके में था। मेरी सिस्टर जो है वो उतने ही लेवल, तो उनकी जो इच्छाएं थी वो पूरी हुई इस बर्थ में, जो वो चाहती थी वही कुछ हुआ। तो मतलब कहने का है कि उससे मुझे ही सीख मिली कि हमें अपनी सोल को इतना ज्यादा वो नहीं करना चाहिए, अपनी इच्छाओं को लिमिट में रखना चाहिए, हमें गुरु को मांगना चाहिए जो वो दे सकते हैं, हमें स्पिरिचुअल जर्नी को बढ़ाना चाहिए। जितना समझ आया शायद एक लेसन था उस से, और मैं कोशिश करती हूँ कि मैं उन चीजों को अब नहीं, जो मिल रहा है गुरु जी बहुत अच्छा दे रहे हैं, कोई हमें डिमांड नहीं करनी। एनीवेज मेरा आंसर मिला, आज थोड़ा मैं डिफरेंट सा बताऊंगी जो गुरु जी ने मेरे साथ किया। मेरी मैरिज हो गई, हम ब्रदर मेरा कोई था नहीं, फिर मेरी थर्ड नंबर की सिस्टर एक्सपायर हो गई 85 में, उसका भी क्वेश्चन था मुझे कि वो कहाँ पे है, क्योंकि जब हम कुछ भी मेडिटेशन करते हैं, किसी चीज में जाते हैं, तो हमें लगता है कि जो हमारा नियर डियर गया वो है कहाँ पे। उसके लिए मैं बहुत सोचती थी लेकिन मुझे कोई थॉट नहीं आता था। तो अभी कुछ टाइम पहले मेरे अंकल को गुरुजी ने फिर मेडिटेशन में दिखाया कि मेरी वो सिस्टर गुरुजी के डिवाइन दरबार में लंगर की सेवा कर रही है, मतलब गुरुजी ने उसे अपनी शरण में रखा हुआ है। और मैं इतनी खुश हुई कि वो तो रब के पास बैठी है और हम नरक में बैठे हैं। तो जो ट्रेजेडीज हुई उसके पीछे सारी जो अच्छाई थी वो भी गुरुजी ने मुझे क्लियर की। तो ये सारी चीजें कौन कर सकता है? एक भगवान कर सकता है, कोई साधु महात्मा नहीं कर सकते। हर चीज वो क्लियर करते हैं। मेरी लाइफ को कहां से कहां वो लेके गए, अंकल को तो न्यू लाइफ दी, अब इस स्टेज पे अंकल की सारी जर्नी यूएस की, मतलब उनके सिटीजनशिप, डबल सिटीजनशिप सब कुछ करा के अब वो इंडिया में आए हैं, लेकिन 14 इयर्स वो इसी में
लगे रहे, लगे क्या रहे, गुरु जी ने लगाए रखा इसको एक्सटेंड करने के लिए। तो जब हम गुरु जी के पास जाया करते थे, थ्री फोर मंथ्स तक गुरु जी ने कोई बात नहीं की, तो मेरे को ये लगता था क्वेश्चन कि गुरु जी को कुछ मालूम भी है कि हम कितने टेंशन में हैं, हम किस लिए आए हैं। बहुत सारे इश्यूज थे, फाइनेंस के भी थे और मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज भी थे। लेकिन एक मतलब जाने से पहले, गुरु जी के दर्शनों से पहले मेरी डॉटर के हेल्थ इश्यूज तो गुरु जी ने ड्रीम में ही काट दिए। ड्रीम में दिखाया उसे कि उसकी लेग में से कुछ फटा है और एक बकेट फ्लूइड एंड ब्लड का निकला। मुझे कुछ भी मालूम नहीं था। मैंने अपनी फ्रेंड से पूछा जो मुझे लेके गई थी कि इसका क्या मतलब है। कहती कोई इसकी हेल्थ प्रॉब्लम है जो गुरु जी ने पहले से काट दी है। वो तो अभी हमने दर्शन भी नहीं किए थे तो गुरु जी ने वो क्लियर कर दिया। उसके बाद गुरु जी ने ऐसी कोई बात नहीं की हमसे। एक मंत्र जाप जो मैं चाहती थी कि मुझे पता हो कि गुरु जी क्या देते हैं, वो उन्होंने बताया कि ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहायता पाठ किया करो। और मेरे को देख के किसी आंटी को बोल रहे थे, कहने जो सुन रहे होंगे ना आंटी उनके वास्ते ही होंगे। तो इट्स क्लियर टू मी कि यही पाठ करना है क्योंकि ये गुरुजी ने खुद अपने मुख से दिया है। और हमें चारों को खड़ा करके गुरुजी ने बोला कि एडमिशन दिया। जो ये था गुरु मंत्र मिलता है, ये जाप मिलता है, जो एक दिमाग में था वो चीजें उन्होंने क्लियर की। 3-4 महीने के बाद गुरुजी ने अपना स्वरूप हमें दिया, उससे पहले नहीं दिया। गुरुजी अपनी लेग पे ऐसे रख के बैठे रहते थे और नहीं देते थे, लेकिन आफ्टर 4 मंथ्स दिया। कहते जाओ बाहर मिल रहा है दे और ले लो। और फिर वही क्वेश्चन, क्योंकि गुरुजी मुझे बोला करते थे कि मास्टर नहीं है किंतु परंतु है, ताकि गुरुजी को क्या मालूम है कि और क्या दिक्कतें हैं। तो उसी को उन्होंने सॉल्व करने के लिए एक दिन जैसे ही हम अंपासेट पहुंचे, अभी गुरुजी चोले में नहीं आए थे, बाहर ही बैठे थे कैबिनेट पे, और अंकल को कहते हैं जा डुगरी चला जा, और किसी अंकल के साथ भेजा हम, मैं और दोनों बच्चे हम वहां पे, और कहते तू अकेला जाओ, उनके साथ भेज दिया। सारे बहुत खुश के आज तो आपकी लॉटरी निकल गई, गुरुजी ने आपको डुगरी भेजा है। रात को वो अंकल ड्राइव सेवादार अंकल थे, वो लेके गए, रात को वहीं पे रुके अंकल, तब ये मंदिर नहीं बना था। और नेक्स्ट डे 4 o'clock इवनिंग में अंकल आए, पूरा डुगरी घूम के, किस रीजन से भेजा था ये गुरुजी जानते हैं। कुछ ना कुछ तो काटा था उस जगह को हटाने के लिए। अंकल ने बोला गुरुजी लंगर करके चले गए, कहते नहीं लंगर घर रास्ते में करना, मतलब गुरुजी ने रुकने नहीं दिया, तो कोई रीजन रहा होगा। उस दिन के बाद से अंकल से गुरुजी ने हर चीज जो भी अंकल ने पूछा गुरुजी ने जवाब दिया, लेकिन मैं नहीं बात कर पाती थी क्योंकि मुझे बहुत डर लगता था, क्योंकि गुरुजी का इतना ज्यादा तेज ऑरा था कि उनके पास जाना मैं तो बहुत दूर से भाग जाती थी। मेरे को लगता था कि नहीं, मैं उस चीज को, उस पावर को टॉलरेट ही नहीं कर पाती थी। मेरे को एक दिन गुरुजी ने पूछा पाल आए, अंकल बाहर थे, मैंने कुछ भी नहीं बोला, हाँ ही नहीं की। गुरुजी ने कहा बुला, तो मैं उल्टे पैर ऐसे भागी जैसे कोई मुझे पकड़ रहा हो, और मैं अंकल को बुला लाई। तो मतलब गुरुजी ने मेरे से जो 2-4 बातें की, लेकिन मैं अपने मुंह से गुरुजी से कुछ नहीं बोल पाई, इतनी हिम्मत नहीं होती थी। लेकिन सब कुछ उन्होंने बिन बोले ब्लेस करते रहे, मेरी जॉब को ब्लेस किया। गुरुजी के पास जाने के बाद मैं अभी 1-1.5 साल पहले गवर्नमेंट स्कूल से एज टीचर रिटायर हुई हूँ, तो मुझे लगता था कि क्या है ये, सुबह सुबह उठो 7:45 स्कूल पहुंचना पड़ता है, ना आराम से ब्रेकफास्ट होता है, ना घर देख पाते हैं। तो
पर क्या गुरु जी मुझे नौकरी नहीं करनी, क्या भाग रहे होते हैं सुबह, या तो टीचर्स भाग रही होती है या ये जमादारियां भाग रही होती हैं। तो गुरु जी को मालूम था, गुरु जी को मैंने तो प्रेयर ही की थी। अगले ही विजिट पे गुरु जी के दर्शनों पे इतनी जोर से गुरु जी ने मुझे डांटा, चल मस्तनी ऊपर। और उसी दिन गुरु जी ने मुझसे दो पॉइंट्स भी पूछी, तो किसने लिखी। पहले तो गुरु जी ने पूछा कि मस्तनी की पढ़ा दी है। इंग्लिश वर्ड बोलना मेरे लिए भारी हो गया, मैंने अपने मुंह में बोला, इतनी तेज नहीं बोल पाई गुरु जी से। जो गुरु जी के आसपास बैठे थे वीआईपीस बैठे हुए थे तो हंसने लगे। उन्होंने एक पोएम पूछ ली जिसका मेरे पास कोई जवाब नहीं था, मुझे आज भी नहीं पता कौन सी पूछी थी, कहते हैं इसका राइटर कौन है, मुझे कुछ नहीं मालूम। मैंने गर्दन हिलाई कि नहीं। उन्होंने फिर एक और, उसमें भी मैंने ना कर दिया। तो गुरुजी कहते हैं फिर तू की पढ़ानी है, तू गाइड है जो पढ़ानी है, तो चल मास्टर नहीं ऊपर। और उस दिन गुरुजी ने मुझे टॉप पे बिठा, मतलब फर्स्ट फ्लोर पे बिठाया। और जब मैं आज्ञा लेने आई तो मेरे को कहते हैं नौकरी छड्डन की गल नहीं करी थी उन्दे। उन्होंने मेरी जॉब को ब्लेस किया क्योंकि जो नेगेटिविटी मेरे अंदर आ रही थी उसको वो निकाल रहे थे। तो गुरु जी नोस के हमें मुझे करनी है। कहां 2001 में मैं जॉब छोड़ रही थी, मन में था, छोड़ नहीं रही थी, मन में था गुरु जी छोड़वा दे। कहां मैंने 19 तक जॉब की, और अब मुझे लगता है कि काश और होती, अब तो फ्री अब आराम से जा सकते थे। लेकिन गुरु जी मुझे भेजते रहते हैं कुछ, कहीं वॉलंटियर कहीं कॉन्ट्रैक्ट पे, वो मुझे बिजी रखते हैं। आजकल भी उन्होंने मुझे बिजी रखा हुआ है, इस स्कूल में वो भेज रहे हैं, 3-4 घंटे के लिए जाती हूँ। तो ये सिर्फ गुरु जी की कृपा से, नहीं तो आफ्टर रिटायरमेंट गवर्नमेंट स्कूल से रिटायर होने के बाद इस तरह की जॉब्स नहीं मिलती। क्योंकि हम लोग जिस माहौल से आते हैं, ना हम प्राइवेट में जॉब कर सकते हैं ना कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो नेचर ऑफ वर्क और लोड ऑफ वर्क जो होता है वो बहुत डिफरेंट होता है। लेकिन गुरुजी ने मुझे गवर्नमेंट स्कूल में ही कॉन्ट्रैक्ट पे, फिर मेरे घर के पास रिसेंटली मुझे फैब से फिर जॉब दी हुई है। क्योंकि मुझे लगता है कि घर में डल हो जाते हैं, जब मर्जी उठे जो मर्जी किया, एक रूटीन नहीं बनता। तो गुरुजी ने वो सब, उनको मेरी सोल का पता है, मेरी सोल की डिमांड का पता है, तो ऐसे वो भेजते रहते हैं। हर किसी को उनको डील करने का रब को पता है। मेरे अंकल जब यूएस में थे तो मेडिटेशन में बैठे तो गुरुजी ने इनको क्लियर बोला कि सेवा कितनी कर। अब अंकल अक्यूरेशन करते हैं तो समझ नहीं आई। कलने का गुरुजी अपने मन में ही थॉट आया कि सेवा, और यूएस में मैं कौन सी सेवा करूं। एक दो दिन के बाद फिर विचार आया कि ये अक्यूप्रेशर ही करना है। तो हर तरह के पेन का गुरुजी ने इन्हें ब्लेस किया। वहां गुरुद्वारे में जाने लगे और जिसको भी ये वो थेरेपी देते हैं वो बिल्कुल ठीक हो जाता है। सब हैरान होते हैं कि ये सब कैसे हो रहा है। गुरुजी की कृपा से वो अंकल को सेवा वहां पे, उन्होंने अंकल ने यूएस में गुरुद्वारे में करना कोई मजाक नहीं है, वहां किसी को टच भी नहीं कर सकते, लेकिन गुरुजी ने वो सेवा कराई। उन्होंने बख्शी कि किस तरह हमने आगे जो अपने कर्म खराब किए हैं सेवा करके उनको आगे कैसे ले जाएं, कैसे लाइफ को वो करें, उस तरीके से काटते हैं। मेरे जब बेटे की शादी हुई थी, डॉटर का मैंने सत्संग शेयर किया, लंबा है क्योंकि उसके उसके बेबी होने में काफी दिक्कत आई थी। तो जब 9 में मेरे बेटे की शादी में वो आई यहाँ पे, तो उसके बाद हम डुगरी गए, जलंधर मंदिर गए माथा टेकने के लिए। हम 6 जने गए, बेटे दामाद, बेटा, डॉटर इन लॉ और हम, मैं और अंकल। जलंधर के बाद जब हम डुगरी आए तो हम बापू जी से मिले
उन्होंने पूछा मेरे डॉटर को, और डॉटर के लिए पूछा अंकल को कि पा लेंगे बच्चे, तो अंकल ने बोला कि मेरी डॉटर ने बोल दिया कि बापूजी नहीं है, अभी नहीं है। तो बापूजी कहते हैं दो मुंडे, कुछ उन्होंने बहाने के लिए वो जो जोड़ा पुल है वहां पे बोला, वो हमने कर दिया। गुरुजी ने अपने ही फादर के मुख पे, क्योंकि उनकी भी उतनी वैल्यू है, इनके घर में एक भगवान ने जन्म लिया, उनके मुख से निकलवाया। और 13 में हमारे घर में दो लड़के आए, मेरी डॉटर का भी और मेरे बेटे का भी। 13 नंबर गुरुजी ने ब्लेस किया था। डोगरी में हम काफी देर रुके, लंगर किया, वहां पे सारा मंदिर घूमे गुरुजी का पूरा। पहले भी गए थे लेकिन डॉटर इन लॉ साथ में थी तो उसे सब दिखाया। तो और डॉटर इन लॉ का भी 9 में मैरिज होने के बाद 13 में ही गुरुजी ने उसे बेबी दिया। वो मुझे बहुत बोलती थी, उसके घर के भी मेंबर्स बोलते थे कि डॉक्टर को दिखाओ, बेबी होना चाहिए। मैंने कहा देखो तुम जाओ, मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरे तो भगवान बैठे हैं, उन्होंने जब करना होगा वो करेंगे। डॉक्टर्स के पास जाके तुमने अपनी बॉडी को खराब करना करो। तेरे बापूजी ने, मैंने कहा बोल ही दिया अपने आप हो जाएंगे। और 13 में विदाउट एनी ट्रीटमेंट उसको भी बेटा दिया, दिसंबर में गुरुजी ने, और जनवरी में मेरी डॉटर को दिया। तब से मेरी डॉटर ना मानने लगी, पहले वो नहीं मानती थी। जैसे वो हमारे घर में आई तो हर एक के घर का रूटीन होता है, वो जैसे आम मंदिर होते हैं, कोई सड़क पे भी बना है, कोई कहीं भी बना है, वहां पे वो जाया करते थे। एकादशी हो गई, नवरात्रे हो गए, तो इसकी मैरिज के बाद फैब में मैरिज हुई थी तो नवरात्रे आए, तो इसने बोला कि मैं मंदिर जाऊंगी। मेरे अंकल ने कहा कि घर में रब बैठे हैं, यही मंदिर है, इन्हीं को माथा टेको, कहाँ पे जाओगे? क्योंकि कभी ऐसी फील ही नहीं आई कि बाहर ऐसे किसी मंदिर में जाए। कुछ नहीं बोली वो उसे, लेकिन उसे अंदर से बुरा लग गया। और मैंने उसके फेस को देख के ऑब्जर्व भी किया, चुप हो गई वो। लेकिन गुरुजी ने जवाब कैसे दिया? हमारे ऊपर एक आंटी रहती है, उनको भी हमारे थ्रू गुरुजी ने बुलाया था, उनका भी सत्संग अभी शेयर करूंगी मैं। वो नीचे आई, उन्होंने नीज का ऑपरेशन किया करवाया था, तो गुरुजी का जैसे स्वरूप लगाया तो वो आके बैठ जाती हैं कि चलो सत्संग करेंगे, गुरुजी को मत्था टेकेंगे, गुरुजी की बातें करेंगे, तो एक अच्छा सा वो लगता है। तो पहली बार नीचे उतरी थी तो यहाँ पे आके उन्होंने मत्था टेका कि आज मैं पहली बार उतरी हूँ तो चलो चाय प्रसाद बनाओ और हम सत्संग करते हैं। तब मेरी डॉटर इन लॉ को फील हुआ कि एक आउटसाइडर यहाँ पे आके बैठ के सत्संग कर रहा है, हमारे घर में गुरुजी का सत्संग हो रहा है। और पापा ने ठीक ही बोला था कि बाहर मंदिर का कोई फायदा नहीं। तब उसने काफी टाइम के बाद बताया कि तभी मुझे रियलाइज हो गया था कि ये बहुत बड़े भगवान है, गुरुजी का जोड़ने का तरीका अपने हिसाब से था। 3-4 इयर्स तक किसी नहीं समझ आई, लेकिन जब इसे बेटा दिया गुरुजी ने तब इसे लगा कि कुछ तो है, क्योंकि विदाउट ट्रीटमेंट इसका बेटा हुआ। और तब ये गुरुजी को मानने लगी। बेटे होने के 10-12 दिन के बाद ही हमारी एंट्रेंस पे ना लॉबी में गुरुजी का स्वरूप रखा हुआ है, छोटा सा स्वरूप है, वो उंगली से गुरुजी अपनी तरफ इशारा कर रहे हैं आने का, इस तरह का है वो। तो मैंने कहा देखो हमने इसलिए रखा हुआ था कि जो भी आ रहा है गुरुजी ऐसे बुला रहे हैं, आ जाओ अंदर आ जाओ, वो इसलिए रखा हुआ था। तो सारे सो रहे थे, ये रात को वॉशरूम उठी, उस स्वरूप में से अंधेरा था पूरी लॉबी में, लाइटें निकल रही थी, गुरुजी ने इसे डिवाइन दर्शन दिए। ये डर के मारे चीखती हुई रूम के अंदर चली गई, इसे इतना डर लगा समझ ही नहीं आई, और ये बाहर ही नहीं निकली। सुबह मुझे कहते हैं कि ऐसा हुआ। मैंने कहा तुझे मेरे को बताना चाहिए था,
मैं उठती गुरु जी को भोग लगाते, चाय प्रसाद बनाते, गुरु जी ने डिवाइन दर्शन दिए थे। कहती है मम्मी मैं तो बहुत डर गई थी, वो स्वरूप आज भी मेरे पास है, उसमें गुरु जी का प्रॉपर अमृत आया है, उसके निशान है। इस तरह से जोड़ा आज और उसी चीज से इसके पूरी फैमिली, इसके ब्रदर्स भी बड़े मंदिर में मंडे को सेवा करते हैं। एक भी मेंबर गुरु जी को नहीं मानता था, लेकिन पूरा परिवार जुड़ गया। गुरु जी बोलते ही हैं कि कैसे मैं पूरे के पूरे परिवार अपने हिसाब से जोड़ता हूँ, अपने तरीके से। हम किसी को जबरदस्ती नहीं कर सकते कि चलो हमारे साथ। हम कह सकते हैं क्योंकि गुरु बोलते थे नई संगत लाओ तुम्हारा भी कल्याण है। हम एक बार बोलेंगे, दो बार बोलेंगे, जब तक गुरु जी नहीं चाहेंगे वो इंसान नहीं पहुंच सकता, अपने आप ही वो पहुंचेगा। ऐसे ही मेरे हमारी फैमिली फ्रेंड है, उस टाइम बहुत परेशानी में थे जब हम गुरु जी से जुड़े। वो दोनों इस स्टेज पे थे कि सुसाइड कर लेंगे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स भी आ रही थी उनको, लेकिन बहुत अच्छी सोल है उनके जो मम्मी है, मतलब जो अंकल है, उनके मम्मी और पापा रूठ के चले गए थे और अंकल की वाइफ चाह रही थी कि मेरे सास ससुर घर वापस आ जाए, जबकि मोस्टली डॉटर इन लॉ सोचते हैं कि ठीक है निकले जान छूटी, लेकिन उनकी यही इच्छा थी कि ऐसा नहीं होना चाहिए, परिवार में वो आने चाहिए। तो बहुत परेशान थे, हम उनके पास मिलने गए। वो हर साल माता पे जाते थे, तो जब उनकी परेशानी सुनी तो मैंने कहा भाई हमारे पास तो गुरु जी है, तुम चलोगे? उनके वाइफ कहती है कि मैंने तो आज तक किसी इंसान को माथा नहीं टेका, लेकिन भाभी आप कह रही हो तुम चलते हैं। वो आ गए, उन्होंने लंगर किया, 2004 में आए थे। लंगर करके संगत जी आप बिलीव करें वो घर पहुंची हैं। रात को ही उनके पेरेंट्स का फोन आ गया कि कल हम आपके पास आ रहे हैं। वो वही चाहती थी और उसी रात को ऐसा जोड़ा गुरुजी ने कि उनका सब माता पे जाना भी बंद हो गया, सिर्फ गुरुजी गुरुजी और उनका भी पूरा परिवार गुरुजी से जुड़ गया। इतना ब्लेस किया गुरुजी ने उन्हें। उनकी डॉटर आज मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट है दिल्ली में, 30,000 कोर्ट में फर्स्ट अटेम्प्ट में निकलती चली गई, बेटा सीए बन गया। वो कहते हम तो सोच भी नहीं सकते थे कि इतनी ब्लेसिंग गुरुजी देंगे। जोड़ने का उनका अपना तरीका है, कैसे कैसे पूरे परिवार को वो जोड़ते जाते हैं। उन्हें भी आगे पूरा परिवार जुड़ गया, वो भी मंदिर में मंडे को सेवा करते हैं। उनके आगे जो ब्रदर इन लॉ है वो खुद भी आते हैं। तो गुरुजी जोड़ते हैं, जो ये कहते थे कि हम तो किसी को माथा नहीं टेक सकते, जब हम उन्हें गुरुजी के पास लाए तो वो मुझे कहते हैं कि हम देखो आपके कहने से गुरुजी के पास आए हैं, तो आप मेरे कहने से मत चलो। मैंने कहा ठीक है चलते हैं, कोई बात नहीं। वही लास्ट विजिट थी 2004 में, वो मुझे माता के पे ले गए। मैंने कहा मैं आपकी वजह से जा रही हूँ, मैं सब जगह माथा टेकती हूँ लेकिन इनसे ऊपर कोई नहीं है और वो भाव मुझे नहीं आते। तो गुरुजी की वो चीजें हमारे साथ हुई हैं कि जो एक भगवान कर सकते हैं, जिनको भी लेके गए, जिनका भी वो करना था। मैं अपनी एक और फ्रेंड को लेके गई थी, वो भी आज पूरे जुड़े हैं। राधा स्वामी थे, उनके घर में झगड़े होते थे इस बात पे कि वो राधा स्वामी थे, उनकी वाइफ को पसंद, मेरी कुल फ्रेंड को पसंद नहीं था। तो मेरे साथ आ गई गुरु जी के पास, तो उनके अंकल लड़ते हुए आते थे कि मुझे नहीं जाना, मेरे अपने गुरु हैं। लेकिन आज वही अंकल हर महीने सत्संग करते हैं। मेरी फ्रेंड कहती है कि मुझे सत्संग नहीं करना, तो वो कहते हैं नहीं करना है, जोड़ेंगे तो वही, उनको मालूम है सोल बहुत अच्छी है तो वही जोड़ते हैं। उनकी डॉटर को अस्थमा था,
और उस अस्थमे का अटैक मैंने 94 में उसे देखा था, तो मैं इतना रोई थी घर आकर, इतने छोटे बच्चे को इतना गंदा अटैक। जब गुरुजी से हम 2001 में जुड़े तो मैंने कहा चलो गुरुजी के पास, वो मेरे साथ आ गई। तो जैसे वो खड़ी थी तो गुरुजी ने कहा इनकम टैक्स वाले बैठो थे, अस्थमे वाले जाओ। सब एक दूसरे का मुंह देखने लगे, समझ नहीं आई। तो उसका अस्थमा गुरुजी ने बिल्कुल क्योर कर दिया, वो बिल्कुल ठीक है। एक सिर्फ एक वर्ड बोलने से कि अस्थमे वाले जाओ, गुरुजी ने उनकी फैमिली लाइफ को, उनकी मैरिड लाइफ को भी ब्लेस किया। क्योंकि झगड़े होते थे, झगड़े भी रिलीजियस पॉइंट से होते थे, ऐसा तो कोई था ही नहीं और रीजन। तो गुरुजी के पास जाते ना वो इधर उधर हो जाते थे कि हमें नहीं मिलना पड़े, अपनी मर्जी से वो जबरदस्ती ले जाती थी, तो पूरा रास्ता लड़ते हुए जाते थे। एक बार वो पहुंचे और इतना वो रो के मेरे प्लान कि आज मैं इनके साथ लंगर भी नहीं करूंगी और मैं इनसे बात भी नहीं करूंगी और हो सकता मैं इससे अलग भी हो जाऊं। वो एक साइड पे बैठ गई। गुरु जी ने क्या लीला रची कि इतना बड़ा जैसे ग्रास फॉर्म होता है एम्पायर स्टेट में वो कभी नहीं आ सकता, इतनी क्लीनिनेस में। उसकी व्हाइट ड्रेस थी, उसके ऊपर ग्रास वॉर्म आ गया और वो बाहर निकल के आ गई। मैं हैंड वॉश करा रही थी, हम बाहर बाल्टी से करवाते थे, बाल्टी और वो नीचे चिरम की रखी होती थी। तो मुझे कहती है कीड़ा है और मैं बाहर आ गई हूँ, मैं सेकंड राउंड में लंगर करने जाऊंगी। तो मैंने देखा कोई कीड़ा नहीं था, था कुछ भी नहीं है ये। तो वो अंदर चली गई और सेवादार अंकल ने पता नहीं कैसे कैसे सेट करते हुए दोनों अंकल आंटी को हमने सामने बैठा दिया। उन्होंने नहीं बिठाया, गुरुजी ने बिठाया, उनकी लाइफ को, उनकी मैरिड लाइफ को ब्लेस किया हर तरह से। आज वो राधा स्वामी होने के बाद भी अंकल इतने डिवोटी हैं गुरुजी के कि मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी फ्रेंड कई बार कहती है कि बस मुझे अब सत्संग नहीं करना, लेकिन अंकल कहते हैं मुझे करना है। कैसे जोड़ते हैं, उसके बेटे को भी ऐसे न्यू लाइफ दी थी। गुरुजी ने बोला था कि इसको तो मैं आगे क्या करूं, उसकी तो जिंदगी नहीं है। और जो उसने गुरुजी का स्वरूप पहना हुआ था वो पूरा ब्लैक हो गया था। खुद उसे दर्शन देके गुरुजी ने न्यू लाइफ दी। तो ये करते हैं हमारे भगवान, जिन जिन को भी मैं लेके गई सबका कल्याण किया। हमारे ऊपर जिनका मैं बता रही हूँ डॉक्टर हैं, कश्मीरी हैं, गुरुजी ने हमें आज्ञा दी थी शिवरात्रि पे के ट्रक में बिठा के लिया। मुझे भी ये बोला अंकल को कि संगत को ट्रक में ले आओ, नई संगत ले आओ। गुरुजी बोला करते थे नई संगत से मतलब हमारे ही कष्ट काटने हैं। मैंने उन्हें बोला कि आप शिवरात्रि इतने पॉम्प एंड शो में मना दो, तो हमारे तो गुरुजी खुद शिव हैं, आप चलो। कहते ठीक है चलते हैं। हम उन्हें ले आए, हम बहुत खुश के गुरुजी की आज्ञा मानी है और वो साईं बाबा को मानती थी। और शिवरात्रि पे संगत जी सोच सकते हैं कि बड़े मंदिर में बात होना तो बहुत मुश्किल है, लंगर करके माथा टेक, बस वो भी एक माथा ही टेक सकते हैं अगर वो भी गुरु जी की इच्छा हो तो। पर उन्होंने मन में ये कहा कि आप जो भी हो मुझे नहीं पता, मैं बाबा को मानती हूँ, आप मुझे बताओ कि आप क्या हो। ये उन्होंने प्रेयर की और हमने उन्हें किसी के साथ भेज दिया कि आप चलो हम बाद में आएंगे। तो वो जिस गाड़ी में बैठे थे उनके साथ साथ ट्रक जा रहा था, उस ट्रक पे उनको साईं बाबा के दर्शन हो रहे थे, साक्षात दर्शन हो रहे थे। तब उन्हें समझ आई कि मैं किस जगह पे पहुंची हूँ जो मुझे बाबा के दर्शन करा रहे हैं। और वो मुझे कुछ नहीं बोली, 3-4 मंथ्स बाद कहती है कि जाया करना, हम जाया करेंगे क्योंकि तेरे गुरु में कुछ है। मैंने कहा कुछ दिखा दिया क्या आपको। तब उन्होंने मुझे बताया कि मुझे ऐसे बाबा के दर्शन कराए, उनके पूरे परिवार को, उनके बच्चों को, उनके दोनों बेटे यूएस में हैं,
सबको ब्लेस किया। आज इतने डिवोटी हैं वो गुरुजी की। गुरुजी ने उनसे बात की और कहा आया कर। अंकल इतने क्रिटिकल हो जाते हैं अभी कोविड में भी, ये 75+, लेकिन गुरुजी ने इतना एक्यूट कोविड के बाद भी उन्हें न्यू लाइफ दे दी, उन्हें बचा दिया। फिर मंदिर में, बड़े मंदिर में पहली बार मैंने देखा हुआ होगा और संगत के साथ भी, एक उनको फोटो मिली जिसमें गुरुजी का स्वरूप था और साईं बाबा का इकट्ठे सॉरी। तो मेरे को दिखाती है कि देख तुम्हारे मंदिर से मुझे ये फोटो मिली है। मैं तो हैरानी हो गई, आज भी उनके मंदिर में लगी हुई है, गुरुजी और साईं बाबा इकट्ठे बैठे हुए हैं। तो संगत जी वो कहते हैं गुरुजी के तुम जिसको मर्जी मानो, मैं तो सबसे ऊपर हूं। एक बार किसी को बोल रहे थे गुरुजी कि जितने तुम देवी देवताओं को मानते हो वो तुम्हें सब देंगे, सारे ब्लेस करेंगे, तुम्हारे भाव है, तुम्हारी भक्ति है, अकॉर्डिंग ब्लेस करेंगे, लेकिन वो सब मेरे से लेके देते हैं तुम्हें, तो तुम सीधा क्यों नहीं मांगते। तो जब तो गुरुजी ने, मतलब मैं ये बताना चाहती हूँ कि गुरुजी तो हमें एक वर्ड बोलते हैं उनको एक सम्मान देने के लिए, बाकी वो भगवान है। मैं आज सोच ही रही थी कि मेरे को सत्संग के लिए बोलना है। एक संगत है, पुरानी संगत है, वो एम्पायर स्टेट हमारे साथ आती थी, आज मॉर्निंग में ही उनका फोन आया कि मेरे से कुछ गलतियां हुई जिसकी सफरिंग्स मैं आज तक भुगत रहा हूं, और गुरुजी की आज्ञा है कि ये जो मैंने गलतियां की हैं जो मेरे सत्संग हुए हैं वो तुम शेयर करो। तो मैंने कहा तुम करो, क्यों नहीं करते हो? कहते नहीं मैं नहीं बोल पाऊंगा, मैं एक दो दिन में आपके पास आऊंगा और मैं सारा शेयर करूंगा कि मैंने क्या क्या किया और क्या क्या मेरे साथ हुआ। बहुत कनेक्शन है उस लड़के का एयर इंडिया में, वो इसमें स्पाइस जेट में काम करता है, तो फिर आप शेयर करना। तो मैंने सोचा कि आज मैं कुणाल को फोन करूंगी कि मुझे एक दो दिन के बाद टाइम देना, मेरे को सत्संग शेयर करना है उसका। लेकिन गुरुजी ने आज ही टाइम दिलवा दिया, वो तो मुझे करना ही है, फिर मैं बताऊंगी कि जब वो करेंगे तो मैं उनका शेयर करूंगी। तो गुरुजी ने करवाना होता है वो थॉट पहले डाल रहे होते हैं अपने दिमाग में। एक ऐसा इंस्टेंस मेरे साथ हुआ था 2016 में, मेरे सिस्टर ला, मेरी देवरानी मतलब डॉक्टर है, बहुत स्ट्रॉन्ग लेडी है, उनके मतलब हार्ट के में स्टंट डला, माइनर से सर्जरी होती है। पीजीआई चंडीगढ़ में मेरा ब्रदर इन लॉ भी डॉक्टर है, सारे मतलब उनके फ्रेंड्स डॉक्टर्स ने वो किया। लेकिन हुआ क्या कि उसके बाद उसे होश नहीं आया, वो कोमा में रही। मंडे का दिन था, 9 मई की बात है 2016 की, तो छोटा सा सत्संग करती थी मैं मंडे को, तो किसी संगत ने कहा कि अब थर्सडे को भी करो सर, ऐसे मुझे लग रहा है अब थर्सडे को भी कर लो। मैंने कहा ठीक है कर लेते हैं। हमने पूरा लंगर का मेन्यू डिसाइड कर लिया कि थर्सडे को ऐसे से करेंगे और थोड़ी संगत बुलाएंगे। तो जैसे ही मैंने जोर चला के मत्था टेका गुरुजी को मंडे को, तो मेरे कान में आवाज आई कि तू वीरवार का सत्संग कैसे कर लेगी अगर वो मर गई तो, मतलब इस तरह की। और मैं एकदम से स्वेटिंग शुरू हो गई। मैंने कहा गुरुजी ये क्या थॉट आया है, मतलब वो बेहोश है, उसके स्टंट के बाद होश आ जाएगी, पर ऐसा क्यों हुआ? वो मतलब मेरा फिर सत्संग में मन नहीं लगा, मैं बहुत टेंस रही। लेकिन संगत जी सत्संग कंप्लीट, तो ये करते हैं गुरुजी, और वो चीज इमीडिएट पूरी हो जानी में आज भी मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं जब मुझे वो चीज याद आती है कि ऐसा कैसे हो गया था। मतलब वो सत्संग हमने बड़ी मुश्किल कंप्लीट किया और हमें पंजाब भागना पड़ा। नेचुरली इतना क्लोज रिलेशन था, लेकिन गुरुजी ने पहले ही दिमाग में डाल दिया कि ये होने वाला है। तो ये है हमारे भगवान। तो आज मैं इसी में अपने सत्संग को वो करती हूँ, विराम देती हूँ। गुरुजी फिर मैं
करूंगी जरूर दो चार दिन के बाद उनका भी मिला के। आज पता नहीं गुरु जी की क्या मर्जी है, 3-4 बार कट गया, तो गुरु जी जानते हैं। जबकि बिल्कुल मैं वाईफाई के पास बैठी हुई हूँ और डिस्कनेक्ट हो रहा है, ये बहुत अजीब सी बात हो रही है। तो गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना। इतने अभी तो सत्संग तो मैं करूं तो मैं बहुत देर कर सकती हूँ, लेकिन कोशिश होती है कि उनका जिस निकाल के वो चीज बताई जाए ताकि संगत भी बोर ना हो और क्लैरिटी भी हो जाए। तो आप सबका बहुत बहुत शुक्राना, मैनेजमेंट कमेटी का, मंदिर का, इतना अच्छा मौका देने का। और इस रब का तो है ही, इनका तो शुक्राना वर्ड कह के हम इन्हें छोटा नहीं करना चाहते। एक ही वर्ड है कि जो गुरुजी ने हमें सिखाया अगर हम उस पे चलें तो वही शुक्राना है। थैंक यू गुरुजी, थैंक यू सो मच। जय गुरुजी।